लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबसे अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है, अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है। और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ, वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में, 2005 का तो एक ही महीना और दो तीन दिन, और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था पांच के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। कि आप जान लीजिए कि पांच से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और छह के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत, हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत भूलिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे, कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।